गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एल्किल हैलाइडों के समायोजन भी देखी और इसके अंदर तीन प्रकार की समायताएं पाई जाती हैं। इसके तीन समायोजन बनते हैं एक तरीके से, एक तो बनते हैं स्थिति समायोजन, एक बनते हैं श्रृंखला समायोजन और एक बनते हैं प्रकाशिक समायोजन। इसके बाद हमने एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां स्टार्ट करी और सबसे पहले हमने एल्केन के हैलोजनीकरण से एल्किल हैलाइडों का निर्माण किया था। देखिए हमारा टॉपिक था एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, ठीक है। सबसे पहले हमने बनाया था इन्हें एल्कीन के हैलोजनीकरण से, तो देखिए सिंपल अभिक्रिया क्या होती है, ये एल्कीन है जबकि ये किसी हैलोजन से क्रिया करेगा इस तरीके से, तो ये जैसे कि तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होगी या फिर हायर टेम्परेचर पर होगी, तो यहाँ से HCl भाग जाएगा और H का प्रतिस्थापन Cl से हो जाएगा, हमें मिल जाएंगे RCl plus HCl। देखो इस रिएक्शन में मुक्त मूलक बनते हैं, क्रिया विधि देखेंगे उसकी, क्या देखेंगे क्रिया विधि। तो देखो पहले स्टेप में क्या होता है, स्टेप वन में क्या होगा, इस Cl2 अणु का समान संबंधन होगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, क्या बन जाएंगे दो Cl मूलक, क्या बन जाएंगे Cl मूलक। स्टेप सेकंड में ये Cl मूलक हमला कर देंगे हमारे विकारक एल्केन पर, इससे क्या होगा एक H का इलेक्ट्रॉन एक Cl का इलेक्ट्रॉन HCl भाग जाएगा और बन जाएगा ये एल्किल मुक्त मूलक। हमारे पास दो Cl मुक्त मूलक थे, एक Cl मुक्त मूलक यहाँ काम में आ गया HCl बनाने में और ये क्या बन गया एल्किल मुक्त मूलक। स्टेप थर्ड में क्या होगा, ये R मुक्त मूलक Cl मुक्त मूलक से संयोग करेगा और दोनों में बंध बन जाएगा, क्या बन जाएगा RCl। कहने का मतलब यह है कि इस अभिक्रिया में मुक्त मूलक मध्यवर्ती बनते हैं और मुक्त मूलकों का स्थानांतरण क्या होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, और ये जो अभिक्रिया है ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है, क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। तो इस तरीके से एल्केन के हैलोजनीकरण से हम एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। अगर अभिक्रिया में 1 डिग्री प्राथमिक मूलक बन रहा है तो वो पुनर्स्थापित होके स्थाई द्वितीयक या तृतीयक मूलक भी बना सकता है, इसलिए 2 से अधिक कार्बन वाले एल्केनों में हमें 1 से अधिक प्रकार के यानी कि 2 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे, जिनमें से एक होगा अल्प मात्रा में और एक होगा न्यून मात्रा में। तो ये जो विक्रिया है ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया विधि द्वारा संपन्न हो रही है।
अब देखिए मैंने इसका सिंपल सा एग्जांपल लिया था आपके सामने। जब हम इस प्रोपेन की अभिक्रिया कराते हैं Cl2 से सूर्य के प्रकाश या उच्च ताप पर, तो हमें दो उत्पाद मिलते हैं। एक तो मिलता है ये 1 क्लोरोप्रोपेन, और साथ में क्या मिलता है 2 क्लोरोप्रोपेन। ये क्या है 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर देखिए यहां से H परमाणु बाहर निकलता है तो ये बनेगा 1 ग्रीन मूलक और ये बना देगा 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर हम यहां से H लेते हैं तो बनेगा 2 डिग्री मूलक और उससे क्या बन जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 डिग्री से तो 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 डिग्री मूलक से क्या बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन, और 2 डिग्री से क्या बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। इन दोनों में से ज्यादा स्थाई कौन सा होता है? 2 डिग्री मूलक 1 डिग्री मूलक से ज्यादा स्थाई होता है। ये तो बनेगा कम मात्रा में, कितना 45%। ये बनेगा अधिक मात्रा में, कितना 55%। ठीक है, तो इनकी जो यील्ड होगी वो इस प्रकार से होगी 45% 1 क्लोरोप्रोपेन और 55% 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इस तरीके से एल्केन से हम बना सकते हैं हैलोजन और हैलाइड। अगली विधि है एल्कीन से, इससे एल्कीन से देखो एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर जब छोटे अणु जैसे कि HX, H2O, NH3 आदि का योग होगा तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या देते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। इसमें क्या होगा? एक पाई बंध टूटेगा और 2 सिग्मा बंध बनेंगे, और ये योग जो होता है वो मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है। कैसे? जो H कहां होता है जहां H अधिक हो, और H कहां होगा जहां H कम। मार्कोनिकोफ के में बोलता है निम्न विद्युत ऋणी परमाणु वहां जुड़ता है, निम्न विद्युत ऋणी परमाणु उस कार्बन कार्बन द्विबंध पे जुड़ता है जिस पर H ज्यादा हो, और अधिक विद्युत ऋणी कहां जुड़ेगा जहां H कम। ठीक है, जिस कार्बन पे H कम। तो मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार रिएक्शन होगी। अब देखो इस कार्बन कार्बन द्विबंध पे, इस कार्बन पे H कम है तो इससे जुड़ेगा H, और इस पे ज्यादा है H तो जुड़ेगा H। R CH से कौन जुड़ जाएगा? X, तो CHX, और ये CH से कौन जुड़ जाएगा? H, क्या बन जाएगा? CH3। तो इस तरीके से मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार योग होगा। और जो विभिन्न हैलोजन है, हाइड्रोजन है, हैलो अम्ल है, उनकी केसिंग का क्रम क्या रहेगा? HI, HBr और HCl, यानी कि HI से क्रियाशील होगा, फिर HBr होगा और फिर Cl होगा, क्योंकि HI प्रबल अम्ल है, तुरंत H+ त्याग देगा। इसलिए यदि हम देखें तो हम प्रोपीन, ये क्या है? प्रोपीन है। इस प्रोपीन पे यदि हम HCl का योग कराएं, HBr का योग कराएं, तो HK+ Br-, तो H कम होगा जहां H ज्यादा है, Br कम होगा जहां H कम है,
ठीक है, क्या बन जाएगा सी एच थ्री, सी एच से बी आर और सी एच टू से एच, टू ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो लिखिए एल्कीन की HX के साथ इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया से, इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया से हेलो एल्कीन बनते हैं, हेलो एल्कीन बनते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है? इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये? सबसे पहले क्योंकि ये d1 से प्रायोगिक होते हैं ना, इस पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहले अटैक करेगा, तो इसलिए कौन सी अभिक्रिया कराएंगे? इलेक्ट्रॉन इसमें ही योगात्मक अभिक्रिया। और किसके अनुसार होंगी ये अभिक्रियाएं? मार्कोनिकोफ के नियमानुसार। किसके अनुसार? मार्कोनी ऑफ नियम के अनुसार। तो देखिए यह योग मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है, ठीक है, ये लिख लीजिए फटाफट। ऐसे योग होगा जो विभिन्न हेलो अम्ल है उनकी क्रियाशीलता क्रम क्या होगा, ये होगा। और जैसे प्रोपीन पे हमने HBr का योग कराया तो क्या बन जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखिए अगर हम यही रिएक्शन प्रोपीन का HBr से रिएक्शन यदि परऑक्साइड की उपस्थिति में कराएं, तो परऑक्साइड की उपस्थिति में आपको बताया, मैंने बताया था आपको जब यूनिट नंबर 1 पढ़ाई थी, तो परऑक्साइड की उपस्थिति में क्या बनते हैं? मुक्त मूलक बनते हैं। परऑक्साइड की उपस्थिति में मुक्त मूलक से प्रतिस्थापन होगा और हमें एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार योग होगा HBr का और हमें 1 ब्रोमो प्रोपेन मिलेगा। तो देखिए ये प्रोपीन है, इस प्रोपीन पे HBr का योग होगा परऑक्साइड की उपस्थिति में, और परऑक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार योग होता है। एच कम होता है जहां एच कम है, बी आर कम होता है जहां एच ज्यादा है। कैसा योग होगा? एंटी मार्कोनिकोफ नियमानुसार। ठीक है, क्या बन जाएगा? सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू बी आर, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन।
इसकी मैकेनिज्म मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ कि कैसे परोक्साइड की उपस्थिति मुक्त मूलक बनते हैं और कैसे ये विक्रिया एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार संपन्न होती है। तो एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार यह होगा एच कम बनेगा जहां एच कम है, बी आर कम बनेगा जहां एच ज्यादा है। तो ये एल्केन और एल्कीन से हमने क्या बना दिए, एल्कीन हैलाइड का निर्माण कर दिया। अब हम एल्कोहलों से एल्कीन हैलाइड का निर्माण करेंगे, एल्कोहलों से। देखिए एल्कोहल का सूत्र होता है ROH, ये कहलाते हैं एल्कोहल, क्या कहलाते हैं एल्कोहल, ठीक है। R क्या है यहाँ पर, एल्किल समूह। R वहां पर क्या हो सकता है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ठीक है। अब देखो जैसे कि CH3, CH2, OH, ये क्या है, एथेनॉल है। अब इस एथेनॉल की विक्रिया हम कराएंगे HCl के साथ, शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में। तो क्या होगा, सीधा सीधा वाटर रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा एल्किल हैलाइड। अब देखिए इसकी क्रिया विधि कैसे देखेंगे, क्रिया विधि में क्या होगा, सबसे पहले इस एल्कोहल पे अटैक करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन श्रेणी H प्लस, ठीक है। तो ये कहां अटैक करेगा, ये लोन पेयर से जुड़ेगा। लोन पेयर से जुड़ते ही क्या होगा, CH3 ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे ही लोन पेयर से जुड़ा H प्लस तो पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है ओपन पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की विकिरणता कार्बन से अधिक है, तो सीधा ये यहां से वाटर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, ये कार्बन कैटायन CH3CH2+, बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर। ठीक है, अब ये बन गया कार्बो कैटायन मध्यवर्ती। कार्बो कैटायन मध्यवर्ती जो होता है, अब इस पर अगले स्टेप में हमारे नाभिक स्नेही का योग होगा। तो ये स्टेप नंबर 1 यहां लिख दिया मैंने, और
स्टेप नंबर टू, इस रिएक्शन का मैं यहां लिख रहा हूं देखिए स्टेप टू में क्या होगा। स्टेप टू में इस तरीके से इस कार्बो के टैंक पे अटैक होगा OH- माइनस का, और इस बात क्या बन जाएगा CH3 CH2OH। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटोनीकरण होगा एल्कोहल का, ऑक्सीजन में जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिससे वाटर रिंग होने पर कार्बो कैटायन बनेगा। इस कार्बो कैटायन में अटैक करेगा नाम इसका ही OH माइनस, और इस तरीके से OH माइनस नहीं है, इधर कौन है Cl माइनस, कौन है इधर Cl माइनस, तो क्या बन जाएगा CH2Cl, क्या बन जाएगा CH2Cl, एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो ऐसे पहले स्टेप में प्रोटोनीकरण हुआ, कार्बो कैटायन बना, इस कार्बो कैटायन पे Cl- ने अटैक कर दिया, क्या बना दिया एथिल क्लोराइड। तो ऐसे एल्कोहल से हम क्या बना देंगे एल्केन हैलाइड का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो पहले आपने रिएक्शन लिखी होगी और फिर उसकी मैकेनिज्म मैंने बताई आपको कि कैसे एल्कोहल एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आप देखिए आपने देखा इस रिएक्शन में मध्यवर्ती क्या बनता है, मध्यवर्ती बनता है कार्बो कैटायन, क्या बनता है कार्बो कैटायन, और कार्बो कैटायन के स्थायित्व का क्रम क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो यदि हम 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो मध्यवर्ती क्या बनेगा 3 डिग्री कार्बो कैटायन, अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल लेंगे तो बनेगा 2 डिग्री कार्बो कैटायन, अगर हम लेंगे 1 डिग्री एल्कोहल तो क्या बन जाएगा 1 डिग्री कार्बो कैटायन। तो जितना ज्यादा स्थायी कार्बो कैटायन होगा हमें उत्पाद उतनी अधिक मात्रा में मिलेगा, इसलिए एल्कोहलों की जो क्रियाशीलता का क्रम है, एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होगा, क्या होगा देखो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होगा 3 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, फिर 1 डिग्री एल्कोहल। तो विभिन्न एल्कोहलों की
जो क्रियाशीलता का क्रम है वो रहेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल। तो निर्जल ZnCl2 सुस्त ZnCl2 की उपस्थिति में जब विक्रिया होती है तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में शीघ्रता बोलते हैं ग्रो प्रक्रम। क्या बोलते हैं, ग्रो प्रक्रम, ग्रो प्रोसेस। तो लिखिए एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल हाइड्राइड को, एल्किल ब्रोमाइड और हाइड्राइड को एल्कोहल की, एल्कोहल की HBr और HI के साथ, HBr और HI के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है जब एल्किल क्लोराइड को, जब एल्किल क्लोराइड को HCl के साथ, जब एल्किल क्लोराइड को HCl के साथ सुस्त ZnCl2 की उपस्थिति में, सुस्त ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने से प्राप्त किया जाता है तो यह प्रक्रम ग्रो प्रक्रम कहलाता है, ग्रो प्रोसेस। तो यह प्रक्रम क्या कहलाएगा, ग्रो प्रक्रम कहलाता है, ग्रो प्रोसेस कहलाता है। तो इसे बोलते हैं ग्रो प्रोसेस, ग्रो प्रक्रम। ठीक है, तो इस तरीके से एल्कोहल से हम उनका निर्माण कर सकते हैं। मध्यवर्ती बनेगा कार्बन कैटायन, आपको पता है 3 डिग्री कार्बन कैटायन सर्वाधिक स्थायी होता है, इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल इस रिएक्शन के प्रति सबसे ज्यादा क्रियाशील होंगे। तो देखो 3 डिग्री एल्कोहल जब हमने लिया तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल, तो सांद्र HCl की उपस्थिति में ही रिएक्शन हो जाएगी, हमें शुष्क ZnCl2 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली यहां से ये वाटर बाहर आ जाएगा और हमें मिल जाएगा टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, वाटर रिमूव हो जाएगा, ये क्या बन गया तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड। इसकी मैकेनिज्म वही रहेगी जो मैंने अभी आपको बताया था, पहले प्रोटॉन अटैक करेगा एल्कोहल पर, OH
बन जाएगा, ओपी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर वहां से वाटर निकलेगा, कार्बो का टाइम बनेगा, उस कार्बो का टाइम पे फिर सीएल माइनस अटैक करेगा, क्या बन जाएगा हमारा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैकेनिक्स देखते हैं इसकी। पहले क्या होगा, पहले स्टेप में यहां पर हमको क्रियाशील भी जा सकता नहीं है क्योंकि ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, H प्लस अटैक करेगा इस लोन पेयर पे, जुड़ते ही क्या बना देगा ये स्पीशीज, इसमें से वाटर निकल जाएगा बाहर, क्या बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटिल कार्बो कैटायन वाटर रिंग। स्टेप वन, स्टेप टू में क्या होगा, इस कार्बो कैटायन पे अटैक कर देगा सीएल माइनस और दोनों में बॉन्ड बन जाए। तो देखो सबसे ज्यादा क्रियाशील है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, क्योंकि इससे तृतीयक अल्कोहल बनता है, इसके लिए हमें जेड एनसीएल की आवश्यकता नहीं है, जबकि प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल के लिए हमें शुष्क जेड एनसीएल की उपस्थिति आवश्यक है। इसको नोट कर लीजिए एग्जांपल को। जबकि तृतीयक अल्कोहल, जबकि तृतीयक अल्कोहल सांद्र HCl के साथ, सांद्र HCl के साथ सीधे ही सुगमता से अभिक्रिया कर लेते। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हमने आज की क्लास में एल्किल हैलाइड निर्माण की कुछ विधियां देखी, और लास्ट में पहले हमने एल्केन के अलुद्धीकरण से, फिर एल्कीन के अलुद्धीकरण से, और लास्ट में एल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण किया। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।